वहाँ पर देखें जंग की वजह से कितनी तबाही हुई है। इस साइड पे देखें, पीछे देखें, नबी खुदा हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के रोज़े के ऊपर आए हुए हैं। दहशत ने इस पूरे रोज़े को तोड़ दिया था। जी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं हूँ ऑन मोहम्मद, उठ चुका हूँ, नहा भी लिया है मैंने और अब खाना खाते हैं ऊपर चल के और फिर आगे चलते हैं और बताते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं। अच्छा जी, नाश्ता कर लिया है, खैर से चलते हैं, नीचे बस आई हुई है और शहर हलब जाना है हमने। दमिश्क से हलब जा रहे हैं, 5 घंटे का ये हमारी ट्रैवलिंग होगी, सफ़र होगा, तो सुबह सुबह ही हम निकल रहे हैं हलब के लिए। अच्छा जी, सुबह सुबह सूरज भी निकला है थोड़ा सा और सुबह सुबह का ठंडा ठंडा मौसम और हमारी बस भी सामने आ चुकी है, ये ठहरी हुई है जी हमारी बस सामने, तो बस के ऊपर बैठते हैं और चलते हैं आगे मंजिल की जाने। मोहम्मद और उसकी आल पर। इस टाइम मैं सीरिया के अंदर हूँ और सीरिया के अंदर दाइश ने जिस तरह तबाही मचाई थी उसके कुछ मनाज़िर दिखाता हूँ आपको और ये दिखाता हूँ कि जंग किसी भी मुल्क के साथ हो जाए तो उस मुल्क के ऊपर कितने मनफी असरात छोड़ दिए, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उस मुल्क को। तो ये इमारतें मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें किस तरह दाइश ने तबाह बर्बाद कर दी, जो एक इमारत को बनाने में कितने लाखों करोड़ों रुपये लग जाते हैं एक प्लाजे को खड़े होने में, और ये दाइश ने तबाह बर्बाद कर दी। ये देखें कितने लोग बेघर हो गए। ये दाइश ने जी पूरी पूरी इमारतों को ही तबाह करके डाल दिया। सीरिया के अंदर पूरे के पूरे शहर तबाह हुए पड़े हैं दाइश की वजह से। अल्लाह अकबर, ये देखें अभी बने ही नहीं थे कि उससे पहले ही तबाह हो गए, कुछ प्लाजे ऐसे भी देखने को मिलते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये देखिए, ओए होए होए, इस तरह की तबाह देखने को मिलती है इमारतें जिसकी कोई इंतहा नहीं, जैसे ये एक कचरे का ढेर हो, कोई आबादी नहीं अब यहाँ पर। जब इस तरह के नुकसान होंगे तो फिर जहर सी बात है मुल्क की क्या हालत होगी। अब ये मुल्क बेहतरी की जानिब जा रहा है लेकिन इसके अंदर जो तबाही हुई है वो जहर सी बात है, उस तबाही से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, कुछ टाइम तो चाहिए ना। इस साइड पे रोड के आप देखें इस तरह तबाह हुआ पड़ा है पूरा इस सीरिया। मैं अपने कैमरे को इस तरफ मुड़ाऊं तो आपको तबाही नजर आएगी और अगर मैं अपने कैमरे को इस तरफ करता हूं तब भी आपको इमारतें वो नजर आएंगी जो तबाह हुई पड़ी हैं। इस तरह का नुकसान हुआ है इस मुल्क का। जो लोग जंग को अच्छा समझते हैं या कहते हैं कि हमारी जंग हो फिलहाल मुल्क के ऊपर हम ताकतवर हैं तो वो ये मनाजिर तजरा देख लें फिर जंग के बारे में सोचें। वालदैन फोत हो गए, बच्चे बच गए, बच्चे आज भीख मांगने के लिए मजबूर हैं, उनके पास खाने के लिए रोटी तक नहीं है, और उसके अलावा मर्द मर गए और उनके औरतें बच गई पीछे, वो आज घर घर काम करने पर मजबूर हैं,
तो इस तरह के हालात सीरिया के अंदर आज देखने को मिलते हैं, जिसके मनफी असरात जो 2014 में जंग हुई थी 11 से 14 तक बकाया कोई हमले वगैरह होते रहते थे, उनके असरात आज मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तबाह हाल इमारतें और ये पूरे के पूरे शहर तबाह जो हुए पड़े हैं, ये देखकर बहुत अफसोस होता है। सीरिया में दाइश ने किस कदर तबाही मचाई इसके मनाज़िर आप देख सकते हैं। घंटे का सफर करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हलब शहर के अंदर। हलब शहर शाम का एक पुराना और मशहूर शहर है, जो कदीमी जमाने में बहुत बड़ा तजारती मरकज था। बगदाद जाने वाले तजारती काफले यहीं से होकर जाते थे। 1000 साल कबल मसीह में भी इसको खास अहमियत हासिल थी। बाज नतीनी अहद हुकूमत ने इसको बड़ी तरक्की दी। 7वीं सदी में इस पर अरबों ने कब्जा किया। 10वीं सदी में फिर ये बाज नतीनियों के कब्जे में चला गया। 11वीं सदी के आखिर में इस पर सिलजोक तुर्क काबिज हो गए। 1124 में सलेबियों ने इसका महासरा कर लिया। 1183 में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने इस पर कब्जा करके इसको खूब मजबूत किया। 1260 में इसमें हलाकू खान और 1401 में अमीर तैमूर ने कब्जा किया। 1517 में फिर उस्मानी तुर्कों के कब्जे में आया। चंद साल इस पर मिस्र भी तसल्लुत रहा। यहाँ पर रेशमी और सूती कपड़े के कारखाने हैं। किसी जमाने में यहाँ का आईना बहुत मशहूर हुआ करता था। 2011 के अंदर शाम के अंदर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शुरू होते हैं। वो मुजाहरे खाना जंगी के अंदर तब्दील होते हैं। फिर एक बागी ग्रुप वजूद में आता है और उसको अमेरिका की फुल सपोर्ट होती है। वो देखते ही देखते पूरे हलब के ऊपर कब्जा कर लेता है। फिर दाइश मैदान में आई और उसने हलब के ऊपर 3-4 साल कब्जा किया, जिसके नतीजे में यहाँ पर लाखों लोग जान से गए और लाखों लोग बेघर हो गए। 70% यहाँ पर मकान तबाह हो गए। नबी खुदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी यहाँ रहा करते थे। हलब सिटी के अंदर है और यहाँ पर भी देखिए आपको इमारतें, बड़े बड़े प्लाजे टूटे हुए नजर आते हैं। ये देखिए जी हलब सिटी के अंदर ये देखें, इस साइड मलबे का ढेर बना हुआ है शहर। ये मस्जिद थोड़ी पूरी, ये देखें सामने एक मस्जिद है जिसको दाइश ने पूरा का पूरा तबाह कर दिया था। ये जी मेरे पीछे जो भी इमारतें आपको नजर आएंगी सारी की सारी टूटी हुई है और ये हलब सिटी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इसे बनाया जा रहा है। यहाँ पे मस्जिद है, ये बिल्कुल इन्होंने तोड़ दी थी, तो अब जो है ना इस मस्जिद की भी ज़ेर तामीर हो रहा है, काम हो रहा है। यहाँ पर पूरी की पूरी मस्जिद तोड़ दी। नबी खुदा का रोज़ा यहीं पर है, उसको रोज़े को भी तोड़ दिया इन्होंने। ये जी काम हो रहा है, सारा काम चल रहा है यहाँ पर नबी खुदा के रोज़े के ऊपर।
ये खुदा हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की रोज़े के ऊपर आए हुए हैं। दैश ने इस पूरे रोज़े को तोड़ दिया था, तो अब यहाँ पर काम हो रहा है, दोबारा हालात बेहतर हो गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, बड़े मुसलमान बनते हैं और देखें नबी खुदा के रोज़े को भी कोई तोड़ता है। अच्छा जी, ये हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की जो इमारत है ये पत्थरों से बनी हुई थी, और उस इमारत को इन्होंने भारी बारूद के साथ तोड़ा, और अब उन पत्थरों को दोबारा रिपेयर करके यहाँ पे हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का रोज़ा बनाया जा रहा है। अब ये जनाब ज़करिया हैं, अल्लाह के नबी, जनाब यहिया के वालिद मोहतरम, जो जामे अमवी में आपने ज़्यारत की। इस मस्जिद को भी जामे अमवी कहते हैं, लेकिन वो जामे अमवी सगीर है, ये जामे अमवी कबीर है। जनाब ज़करिया ने ही जनाब मरियम की कफालत ली थी, लिहाजा जब जनाब मरियम जनाब ईसा को लेके आईं, जनाब ज़करिया की कौम के जहन में ये बात डाल दी कि हो ना हो, क्योंकि मरियम नाऊज़ु बिल्लाह मस्जिद में रहती थी, गिना होना काम जो है नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये जनाब ज़करिया का है। अब जनाब ज़करिया के पीछे कौम लग गई, तो शैतान अपना काम पूरा कर रहा है। यहाँ तक कि जनाब ज़करिया ने अपने घर से निकलना बंद कर दिया। एक मरतबा ऐसा हुआ कि जैसे ही जनाब ज़करिया घर से बाहर निकले और कौम उनके कत्ल करने के लिए आगे बढ़ी, तो दरख्त था, दरख्त ने बीच में से खुल के जनाब ज़करिया के लिए जगह दे दी। मगर शैतान का है, मानो या ना मानो, इस दरख्त ने जो है ना जनाब ज़करिया को पनाह दे रखी है। यकीन नहीं आता, काट डालो इसे। लिहाजा कौम ने उस दरख्त को जिसने ज़करिया ने पनाह ली थी, जनाब ज़करिया के साथ साथ उस दरख्त के टुकड़े कर दिए। इस तरह जनाब ज़करिया की शहादत हुई और आपको यहाँ दफन किया गया। ये जो पीछे आप जो मेरे रोज़ा देख रहे हैं, नबी खुदा हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, जो अब दोबारा ज़ेर तामीर है और यहाँ पर काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह आप जब आएंगे यहाँ पर, तो ये मुकम्मल रोज़ा बन चुका होगा। ये दैश ने 2012 के अंदर इसे तोड़ दिया था, तो जिसके नतीजे में अभी तक यहाँ पर काम हो रहा है, और बहुत सारा काम हो भी चुका है और बहुत सारा काम रह गया है। सामने आपको जो इमारतें नज़र आती हैं उनके ऊपर इतनी गोलियों के निशान हैं जिसकी गुंडा ने, और बड़े बड़े बम्प लगे हुए हों जैसे, उनके निशान आपको देखने को मिलते हैं। बाहर चलता हूँ, वो भी दिखाता हूँ आपको। इस तरह के बड़े बड़े पत्थरों को यूज़ किया जा रहा है इस रोज़े को बना दो, क्या नहीं है। ये गोलियों के निशान आपको नज़र आते हैं, ये देखें, ये गोलियों के निशान है जी, ये सामने का प्लाजा देखें आप, इस तरफ इमारत देखें, सारी टूट फूट का शिकार। किस तरह टूट फूट का शिकार हो ये, चारों तरफ मेरे इमारतें टूट फूट का शिकार। रास्ते के व्यू दिखाए मैंने आपको, किस तरह जंग हुई। तो अभी ये देखिए, मैं हलब शहर के अंदर हूँ, ये पूरा का पूरा शहर ही खाली हो गया था जब यहाँ पे जंग थी, लेकिन अब हालात बेहतर हो गए। ये देखें जी, हज़रत ज़िक्रिया नबी खुदा के रोज़े के बिल्कुल साथ आपको ये इमारतें टूटी हुई नज़र आती हैं। ये जी सलाम है इन लोगों को जो यहाँ पर रहे और उस दहेज का मुकाबला किया। अला रासी सलाम। जी मैं इस टाइम हलब शहर के अंदर हूँ, हलब सीरिया का एक शहर है। वहाँ पर देखें जंग की वजह से कितनी तबाही हुई है, इस साइड पे देखें, पीछे देखें, 2012 के अंदर दहेज ने इस कदर तबाही की कि पूरे के पूरे शहर को ही सन्नाटे में सुला दिया। हलब पूरा तो नहीं टूटा था, लेकिन जहाँ जहाँ पे भी बमबारी हुई, तबाही हुई, वहाँ से फिर पूरा हलब खाली हो गया था। फिर ऐसा ऐसा जो ही फ़ौज ने कंट्रोल संभाला, तो उसके बाद फिर हलब शहर कुछ आबाद हुआ। मैं ये ज़िक्रिया नबी खुदा ज़िक्रिया हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के रोज़े के बिल्कुल साथ के मनाजिर आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर इस तरह के मनाजिर आपको देखने को मिले। इस साइड पर हज़रत ज़िक्रिया नबी का रोज़ा है। अभी चलते हैं जी, बस के अंदर बैठते हैं।
अगर आप भी ज़ियारात पर जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ट्रैवल कंपनी का फ़ोन नंबर मौजूद है। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, इस तरह हमारी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।